चले सैर सपाटा के लिए। यही है हमारी आज की कहानी का नाम, सैर सपाटा। और ये कहानी मैंने खास तौर से अपने नाती अयान के लिए लिखी है। तो टिगली और पिगली दो चूहे थे। दोनों को सैर सपाटा मस्ती करना बहुत पसंद था। और बाकी चूहे जब बारिश होती थी ना, खूब बारिश का मौसम होता था, खूब बारिश आती थी, तो बाकी चूहे तो जाके अपने बिल में छुप जाते थे, पर टिगली बिगली क्यों छुपे? उन्हें तो सैर सपाटा ही करना होता था। तो दोनों ने सोचा, चले सैर सपाटा। तो टिगली ने बोला, भाई बिगली कहाँ चलना है? तो टिगली बोला, ऐसा करते हैं, नदी के पास चलते हैं। मैंने सुना है कि नदी में खूब पानी भर गया है, इतना पानी भर गया है कि हम उसमें आराम से घूमने चल सकते हैं। और फिर वो नदी मिलती है समुंदर में, कितना मजा आएगा ना टिगली? बिगली बोला, हाँ खूब मजा आएगा, चलो भाई चलो चलते हैं। तो वो दोनों नदी के पास गए। अब दोनों वहां बैठकर सोचने लगे कि अब जाएं इस नदी में से तो कैसे जाएं? थोड़ा थोड़ा तो तैरना आता था उनको, पर इतनी दूर समुंदर तक तो वो नहीं तैर सकते थे। तो उनको वहीं पर एक छोटी सी नाव पड़ी हुई मन मिली और उन्होंने वो नाव उठाई और उन्होंने कहा, वाह भाई वाह, चलो इस नाव में बैठकर हम आराम से जा सकते हैं, क्यों भाई टिगली? बिगली बोला, हाँ खूब मजा आएगा। और वो पता कागज की नाव थी, किसी बच्चे ने बना के अपनी छोड़ दी थी वहां पर। तो दोनों उस नाव पे सवार हो गए। पर जैसे जैसे नाव आगे गई तो नाव के कागज में पानी भरता गया। और जब पानी भर जाता है तो आप सबको तो पता ही है ना, नाव डूब जाती है पानी के अंदर। यही हुआ और डूब गई उनकी नाव पानी के अंदर और वो ऐसे ऐसे करके बाहर निकल आए। वो सोचने लगे, अब क्या करें? तो वहीं पर किनारे पे उनको एक बड़ी सी छतरी पड़ी हुई दिखाई दी। उन्होंने कहा, क्यों ना इस छतरी को उल्टा करें और इसमें बैठ जाएं? हाँ टिगली बोला, बुजली भाई तुम तो बहुत ही होशियार हो, ऐसे बैठते हैं और फिर नदी में दोनों ऐसे बैठ गए और चलने लगे पानी में मजे से, खूब मजा आ रहा था। तभी ऊपर से थर 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 बारिश आई, पानी भर गया छतरी के अंदर। जब छतरी में पानी भर गया, अब क्या करें? अब तो उनको कुछ समझ नहीं आया, तो छतरी फिर अंदर डूबने लगी। उन्होंने सोचा, भाई अब क्या करें? तभी उन्हें एक ऐसे ही लकड़ी का पेड़ पे से टूटा हुआ डंडा मिला। उन्होंने कहा, भाई चलते हैं इसी डंडे पर, कोशिश करते हैं कि बैठ जाए। तो दोनों बैठने की कोशिश करने लगे उस डंडे पर वो डंडा भी कुछ दूर, इतनी बड़ी बड़ी लहरें थी, कुछ दूर जाकर तो वो भी डूब गया। अब क्या करें? दोनों बाहर बैठे हुए थे नदी के और सोच रहे थे कि भैया हम अपना सैर सपाटा पूरा कैसे करें, समुद्र तक कैसे पहुंचे। ही उन्हें पता है क्या दिखा? एक बड़ा सा मगरमच्छ। तो उन्होंने कहा, चलो कूद कर इसकी पूंछ पर बैठ जाते हैं, ले जाएगा ये हमें तैरता हुआ। बिगली बोला, भैया अगर इसने हमें खा लिया तो? टिगली बोला, अरे क्या बात करता है, वो अपना मुंह पीछे कैसे करेगा, खाएगा कैसे, उसका तो मुंह हमारे तक पहुंचेगा नहीं, हम तो आराम से उसके छोटे छोटे से पूंछ पे बैठे हुए चले जाएंगे। तो दोनों बैठ गए मगरमच्छ की पूंछ पर और सैर सपाटा करते हुए नदी में चारों तरफ कहीं जंगल कहीं पहाड़ देखते हुए पहुंचने ही वाले थे समुद्र के पास। और उन्हें डर लगा समुद्र की बड़ी बड़ी लहरें देखकर, समझ नहीं आ रहा था क्या करें। तभी इस जो मगरमच्छ था उसने अपनी पूंछ हिलाई और वो दोनों
दोनों जा गिरे किनारे पर और फिर ऐसे ऐसे करके उठे और उन्होंने कहा, हो बच गए, अगर समुद्र की लहरों में लपेट जाते तो गए थे काम से। चलो, पर बड़ा मजा आया सैर सपाटे में, फिर चलेंगे अगली बार कहीं और। टिकली बोला, बिल्कुल विगली, हिम्मत नहीं हारनी है, चलते जाना है सैर सपाटा।